फ्रेंड्स, आशु कुकिंग मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी रिच प्रोटीन डाइट की रेसिपी लेके आई हूँ। खड़ी मूंग की दाल का चिल्ला, इसको कि मैं पनीर के साथ स्टफिंग करूँगी, और उसके साथ मैं टमाटर की इंस्टेंट बनने वाली चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो प्रोटीन रिच प्रोटीन डाइट रेसिपी है, इसको प्रेग्नेंट वुमेन भी खा सकती है, और जो लोग ऑपरेशन के बाद जिनको बहुत रिच डाइट प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो भी खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। मैंने यहाँ पे खड़ी मूंग की दाल ली है और इसको मैंने रात में भिगा दिया था 2-3 पानी से धो के। तो देखिए ये कितने अच्छे से फूल गए। आप चाहें तो 4 घंटे भी भिगा सकते हो, उतना भी सफिशियंट है। तो चलिए अब हम बैटर बनाने के लिए मूंग की दाल को पीसने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने मूंग की दाल को मैंने एक जार में डाल दिया, और इसमें मैंने 1 इंच के करीब अदरक को कद्दूकस करके और हरी मिर्च डाल दी। आप अगर लहसुन खाते हो तो लहसुन भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने काली मिर्च 1/2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ पाउडर, ठीक है। और नमक मैं अपने स्वाद के अनुसार, जैसा मैं यूज़ करती हूँ उस तरह से, आप तेज खाते हो कम खाते हो तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी भी डाला है, और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए मेरा बैटर बन के तैयार हो गया है। ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और अब हम इसको देखिए, आप देखिएगा कि मैं इसको कैसा पेस्ट इसका बना के तैयार करती हूँ। ये देखिए इस तरह का, बस इससे ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला, ठीक है। तो ये बैटर बन के रेडी हो गया। तो अब हम स्टफिंग के लिए पनीर को हम जो है कद्दूकस का जो मोटा वाला सेक्शन है ना, वहाँ से हम इसको ग्रेट करेंगे, और अच्छे से देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए मेरे मोटे मोटे ये पनीर के जो है ना, ये अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च मिला देंगे। हरी मिर्च मिलाने के बाद हम इसमें जो हमने एक प्याज काटी हुई है चॉप करके फाइन, वो मिला देंगे। और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, और नमक। आपको चाट मसाला डालना हो, आप चाट मसाला, जीरा पाउडर, आपको जो मन करे वो मसाले आप मिला सकते हैं। मैं बिल्कुल सादा बना रही हूँ। और ये देखिए बस इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें मिला दी हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टफिंग का मटेरियल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम फटाफट चिल्ला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लोहे के तवे को मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसको खूब अच्छे से गर्म कर लिया, और उसके बाद मैंने ऑयल लगा के सिर्फ ग्रीस किया। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ऑयल, इसमें आपको ज़्यादा ऑयल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें बैटर डाल के इसको अच्छे से इसमें फैलाएँगे, देखिए धीरे धीरे करके। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ, अगर आपको बिल्कुल उसी तरह से अगर आप चिल्ला बनाएंगे तो आपका चिल्ला कहीं से टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। तवे को पहले आप बहुत तेज़ गरम कर लीजिए, उसके बाद उसमें ऑयल हल्का सा लगाइए, बहुत ही हल्का, ज़्यादा ऑयल मत रखिएगा वरना आपका चिल्ला जल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप पतला पतला लेयर, बहुत पतला भी नहीं, मीडियम, ठीक है। और इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको फैला दिया। मैं नॉन स्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मैं नॉन स्टिक वैसे यूज़ करना मुझे पसंद भी नहीं है। तो देखिए बिना नॉन स्टिक यूज़ किए हुए देखिए तवे पे, देखिए कितने ईजिली ये देखिए ये चिल्ला निकल रहा है। देखिए तवे को जब ये नीचे से अच्छे से जब ये पक जाता है ना, तो ये अपने आप छोड़ देता है तवे को, ठीक है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत हल्का सा हमने ऑयल लगाया, और अभी हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए इसको धीरे धीरे पलट रहे हैं। तो ये देखिए, देखा आपने कितना अच्छा हमारा चिल्ला नीचे से सिका है। बिल्कुल आप इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल आप उसी तरीके से अगर आप चिल्ले को बनाएंगे तो आपका चिल्ला बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी। तो देखिएगा अभी आप दूसरी तरफ से ये कैसा सिक के दिखता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया चिल्ला बना है ना। तो चलिए अब हम इसमें स्टफिंग डालते हैं। तो जो हमने पनीर की स्टफिंग तैयार की थी, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें बहुत सारी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप सब्जियों को सौते करके, मतलब हल्का सा पका के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो खाली बस पनीर और प्याज हरी मिर्च से ही खाली इसको मतलब फिलिंग की है। आप गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको रैप करके दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया, और ये हमारा चिल्ला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है।
बहुत अच्छा चिल्ला बनाया है। तो चलिए अब हम इसके साथ झटपट चटपटी सी चटनी बना लेते हैं टमाटर की। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको कि मैंने गैस पे भून लिया। भूनने के बाद मैंने उसका ऊपर का छिलका हटा के इसको इस तरह से मैंने एक बोल में रख के मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ना प्रेस कर रही हूँ जिससे कि ना थोड़ा सा ये मैश हो जाए। ठीक है, तो ये 2 टमाटर हमने अपने भून के मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप बिना भूने भी यूज़ कर सकते हो, उसका छिलका हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया है, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच सौंफ, 1 चुटकी मगरैल और 1 चुटकी में मेथी यूज़ कर रही हूँ। सारे खड़े मसाले को कूटदानी में कूट लेते हैं। अच्छे से कूट लेंगे ना तो इसका अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा जब हम इस टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो इस तरह से इसको हल्का सा दरदरा कर लेंगे। तो अब इसको दरदरा करने के बाद हम एक पैन गरम करते हैं और उसमें मैं 1/2 चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल गरम होने के बाद जो मैंने सौंफ, मेथी और कलौंजी का जो मैंने कूटा था उसको डाल देंगे। उसके बाद हम उसमें लाल मिर्च डाल देंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे। इनको अच्छे से भूनने के बाद ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। ठीक है, इसका अच्छा सा एक अरोमा आता है जब हम चटनी बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसमें ये टमाटर डाल देते हैं। ओ वाओ, देखिए बहुत ही स्मोकी फ्लेवर भी आएगा इसमें। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं इसमें। ठीक है, टमाटर को और इसमें जो हमने अदरक कद्दूकस की थी तो वो डाल देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको अच्छे से इसमें मिला देते हैं। ये बहुत झटपट बनता है सॉस, इसमें आपको बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हमने नमक डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं नमक तेज या कम। ठीक है, और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी क्योंकि टमाटर थोड़े कम गले हुए हैं। ठीक है, तो जब ये बॉयल हो जाएगा पानी के साथ तो फिर अब हम इसमें देखिए थोड़ा सा हम इसमें अब चीनी डालेंगे। आप गुड़ डालना चाहते हैं तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आप डालिएगा जितना आपको मीठा चाहिए हो गुड़। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, अब थोड़ा सा और पकाएंगे। ठीक है, तो इसको पकाने के बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको ठंडा करके हम इसको मिक्सी में 1-2 बार ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये देखिए इस तरह से मिक्सी में अब इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए अब हम फटाफट जो चिल्ले हमारे बन के रेडी हो गए हैं तो ज़रा उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए ये सारे चिल्ले बना के रेडी कर लिया। तो अब इनको हम फटाफट सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले हम इनको 2 पीसेस में काट लेते हैं, काट के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इनकी फीलिंग हुई है। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। तो ये जो टमाटर की जो चटनी है और ये पनीर और मूंग की दाल का चिल्ला, ये बहुत टेस्टी बना है। इसको आप बनाइए, खाइए और अपने नाश्ते में इसको आप रेगुलर बेसिस में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास खूब साफ़ सफाई बना के रखिए। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। गुड बाय एंड टेक केयर।